बेटा, आज मैं तुम्हें भाग्य बिगड़ने के 7 कारण बताने जा रहा हूं। सभी कारण ध्यान से सुनना, नहीं तो तुम एक झटके में कंगाल हो सकते हो। तुम भी दूसरों के जैसे बर्बाद हो सकते हो, करोड़पति से रोड़पति हो सकते हो। सभी लोग अमीर बनने के तरीके बताते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से तुम्हारा भाग्य भी बिगड़ सकता है। तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, अच्छा खासा चलता व्यवसाय भी बर्बाद हो सकता है, जमीन जायदाद सब जा सकती है, तुम्हें पछताना पड़ सकता है। लेकिन बेटा, सभी कारण सुनने से पहले तुम भी मेरी तरह महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस वीडियो लाइक कर दो। महादेव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हें बताता हूं भाग्य बिगड़ने के कारण। 1, औरतों का खड़े खड़े बाल संवारना। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को खड़े होकर अपने बालों को नहीं संवारने चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। जब भी महिलाएं अपने बालों को कंघी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बैठकर ही कंघी करें। 2, किसी के इस्तेमाल हुए वस्त्र धारण करना। किसी के पहने हुए कपड़े पहनने से दुर्भाग्य आता है, इसलिए किसी के पहने कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए, इससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सेहत के लिहाज से भी यह अनुचित है क्योंकि इससे कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं। 3, दांत से नाखून काटना। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आपके काम बिगड़ सकते हैं, आप व्यवसाय में कोई भी बड़े फैसले नहीं ले पाओगे। 4, मेहमान आने पर नाराज होना। जो लोग मेहमान आने पर नाराज होते हैं या पसंद नहीं करते हैं, उनके घर माता लक्ष्मी भी कभी नहीं आती है, कोई भी भगवान नहीं आते हैं और उसके घर में गरीबी के बादल छाने लगते हैं। 5, शमशान भूमि पर जोर से हंसना। अगर कोई व्यक्ति शमशान में जाकर हंसता है तो उसका यह हंसना 100 पापों के बराबर माना जाता है। शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान माना जाता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। 6, घर में कूड़ा करकट रखने से। वास्तु में घर में कचरा रखने वाली जगह को नकारात्मक बताया गया है, इसलिए घर में अगर वास्तु के इन नियमों का पालन ना किया जाए तो घर के सदस्यों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 7, शाम के समय सोना। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय त्रिदेवियां यानी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा का हमारे घर में आगमन होता है। इस दौरान यदि मनुष्य सो रहा है तो वे इन 3 देवियों के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। धार्मिक शास्त्रों में यही सबसे बड़ा कारण है शाम के वक्त न सोने का। और बेटा, महादेव का आशीर्वाद चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी।